चटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकांत मड्ड 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 मन्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ठगद्ध गद्ध गज्ज्वलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदंब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी हमें बांका जिला के दुम्मा के उस पार बिहार में और यहाँ पे लगातार प्रेम कुमार अग्रवाल जी जाने माने समाज से भी जो फल का वितरण हर सोमवारी मंगलवार को रविवार को वो करवाते थे, इसी बीच आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जय कृष्ण ठाकुर जी जो कि बैंक मैनेजर भी रह चुके हैं, AGM रह चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कैसा लगता है ऐसे भक्तों का सेवा करके, बताया जाए सर। सिर्फ भक्तों का सेवा कई वर्षों से हम लोग जो है समाज से भी प्रेम अग्रवाल के नेतृत्व में करते रहे हैं और इस साल भी करके बहुत ही सुकून मिलता है। बम की सेवा हम लोग जो है अपने समाज के साथ प्रेम अग्रवाल के नेतृत्व में करते रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा काम है, बहुत अच्छा लगता है। आज जुड़ चुके हैं अजय नारायण मिश्रा जी जो कि काफ़ी मैं देखता हूँ कि लगभग 2 महीनों से ये जुड़े हुए थे और काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं बम की सेवा में, फल वितरण में। अंतिम सोमवारी है सर आज सावन की, क्या कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? ये सावन मास की आखिरी सोमवारी है और 8वीं सोमवारी है ये। इस सोमवारी के अवसर पर हर सोमवार की तरह बरसों से प्रेम कुमार अग्रवाल जी के नेतृत्व में फल वितरण का कार्यक्रम होते आया है। आज भी वो दिन है, सोमवार का दिन, जिस दिन की प्रेम कुमार अग्रवाल खुद भी यहाँ उपस्थित होकर अपने पुत्र राजेश कुमार अग्रवाल और पुत्र वधु के साथ फल का वितरण कर रहे हैं। हम लोग उनमें के कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं, हम लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। काफ़ी चाहेंगे जो लोग और भी लोग हैं ऐसे भक्तों की सेवा करने में सक्षम है लेकिन आ नहीं पाते हैं, उसके लिए क्या मैसेज है? आ नहीं पाते हैं वो तो सही है और वैसे परिस्थिति में चूँकि कोई लाचारी उनकी होती है, अस्वस्थ रहते हैं ऐसे परिस्थिति में वो हैं, लेकिन अस्वस्थ रहते हुए भी हमारे प्रेम कुमार अग्रवाल जी स्वयं आते हैं और स्वयं ही अपने सामने ही वितरण कराते हैं। हम लोग भी बड़ा उनके इस तरह के हौस और उल्लास को देखकर हम लोग भी काफ़ी उत्साहित होकर फल वितरण करते हैं। हर हर महादेव, हर हर गंगे, ये शिवमय है, कांवर पथ पर यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। खास करके विशेष रूप से हम श्री प्रेम कुमार अग्रवाल जी को हृदय से धन्यवाद देंगे, वो काफ़ी एक्टिव सशक्त रहें ताकि हम लोग उनके बैनर तले ये कांवरिया बंधुओं की सेवा करते हैं। एक तरह से यह शिव पूजा है और सबसे बड़ी बात है कि विरासत में उन्होंने अपने पुत्र राजेश अग्रवाल, अपने पौत्र दिव्य अग्रवाल को भी ये मतलब प्रेरणा, हाँ काफ़ी प्रेरणा दिया है। सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हम लोग भी उसमें भाग लेकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने समाज सेवी प्रेम कुमार अग्रवाल जी और मैं देखता हूँ कि काफ़ी 2 महीने से सावन, इस बार मलेमास चली थी, 2 महीने की सावन थी और लगातार सोमवार को हो या रविवार को हो या शनिवार को हो कंटिन्यू वो फल का वितरण आसाम बंगाल से वही शिविर जो है इनारावरण में है और यहाँ पे दुम्मा बांका जिला के बिहार में दुम्मा बॉर्डर के उस पार ये काफ़ी कंटिन्यू यहाँ पे फल का वितरण करते हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अपने लड़के के साथ आते हैं, पोता के साथ आते हैं, पुत्र वधु के साथ आते हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? 25 साल तक किया,
अब अपने बेटे को चार्ज दे दिया है, वही कर रहा है सब। हम तो ऐसे ही आ जाते हैं, वो कहता नहीं पापा चलबे कीजिए, चले आए। काफ़ी पैसे की खर्च होती होगी अग्रवाल जी, क्या ये कैसे व्यवस्था हो पाती है? वो बाबा भोलेनाथ देते हैं, वही खर्च करवाते हैं, वही खर्च करते हैं। लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे देवघरवासियों को? भाई जिसके पास सामर्थ्य है वो जरूर सेवा करे कांवड़ियों की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिव्य कुमार अग्रवाल, जो प्रेम कुमार अग्रवाल के पोते हैं। अपने पापा के साथ वो लगातार बोलबम में भी वो आए, कांवर यात्रा में भी वो थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे दिव्य जी, आज यहाँ पे अंतिम सोमवारी सावन का फल वितरण कर रहे हैं? जय शिव, हर हर महादेव। मैं यहाँ अंतिम सोमवारी को आया हूँ अपने पापा के साथ, दादाजी के साथ। मैं यहाँ फल बांट के मुझे खुशी हो रही है। बोलबम की सेवा शिव की सेवा, और मैं ईश्वर को साक्षी मान के शुद्ध अंतःकरण से सब काम करूँगा। चुके हैं राजेश अग्रवाल जी, जो प्रेम कुमार अग्रवाल के सुपुत्र हैं, और पूरे महीने, दो महीने की इस बार सावन चली, और पूरे दो महीने में आसाम बंगाल शिविर हो, या कांवर यात्रा हो, या बांका जिला के इस पार, दुम्मा के उस पार जो बिहार में पड़ती है, कंटिन्यू सोमवार हो या मंगलवार हो या शनिवार हो या रविवार हो, कंटिन्यू फल का वितरण किए। पेटी का पेटी गाड़ी में भर भर के वो सेब केला लाते थे, अब सिर्फ भक्तों को बांटते थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे राजेश जी, आइए जानते हैं उनसे। राजेश जी बताएं। जय श्री हर हर महादेव बोलबम। सबसे पहले सभी श्री भक्तों को हमारा हार्दिक हार्दिक प्रणाम है। और मेरा इस साल 31वां साल था कांवड़ यात्रा का, और मैं सुल्तानगंज से देवघर बाबा बैनाथ धाम, बासुकीनाथ, सिसाना, चुटुरा, माँ तारापीठ तक मैं सेवा करते आया, और भी सभी श्री भक्तों का। और मैं पापा हमारे देख रहा था कि आपकी गाड़ी में जो सेवारत चल रही थी, उसमें मेडिसिन की सुविधा, गर्म पानी की सुविधा, नींबू पानी की सुविधा, क्या सुविधा और भी अगले साल आप कुछ करने वाले हैं? मेरा नींबू शरबत, फल, भोजन, नाश्ता, फलाहार, सब चीज़ की व्यवस्था के साथ साथ मेरी सुल्तानगंज से टीम तेवर बाबा बासुकीनाथ, बैनाथ धाम से लेकर बासुकीनाथ से लेकर तारापीठ तक गई, और सभी श्री भक्तों का हमने रस्ते में सेवा किया, और आगे भी इसी तरह बाबा हमें सक्षम रखें। हमारे पापा का कहना है, श्री प्रेम कुमार अग्रवाल जी का एक शुरुआत किया हुआ है, आज 25 साल इस कैंप को हो गया है। और मैं बाबा बैनाथ से, माता रानी से, अपने माता पिता से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं हमेशा आप सबों से आशीर्वाद चाहता हूँ, मैं इसी तरह इस सेवा को जारी रखूँ और इसको बढ़ चढ़ के करूँ, कभी इसमें कोई भी तरह की त्रुटि ना आए। आप सबों का सहयोग, आप सबों का आशीर्वाद, आप सबका प्यार चाहिए हमें। वो तो बाबा ही बता सकते हैं। आज हम लोग का अंतिम आखिरी सोमवारी को हम लोग का समापन दिन है आज इस साल का सेवा का, 2023 का। हम लोगों ने लगातार दो महीना पूरा कंटिन्यू सेवा किया। हमारा 5 जगह कैंप चलता है, इनारा अर्बन, जलेबिया मोड़, दुम्मा, गुड़ियाड़ी, इस तरह करके हम लोग का 5 जगह कैंप अपना चलता है, और 5 जगह हमने भर सावन हमने 2 महीना लगातार सेवा किया। आगे बाबा की इच्छा, बाबा जो चाहेंगे वही होगा, हमारे चाहने से, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। जय श्री हर हर महादेव बोलबम। हर हर महादेव।